हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मटरोला फ़ोन है तो मटरोला फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस मोड सेटिंग है तो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने मटरोला फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं। स्वाइप करेंगे, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो जो हमारे फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स है तो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स को सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस सेटिंग। तो इसको ओपन करते ही यहाँ से आप प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारी सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, ऑफ, ऑटोमेटिक या प्राइवेट डीएनएस होस्ट प्रोवाइडर। तो आप इसमें किसी भी ऑप्शन पे ऑफ कर सकते हैं या फिर अपना प्रोवाइडर बना के सेट करते हैं ऑटोमेटिक पे, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्विच जाएगा सेव। इस तरह सेव करते ही हमारी जो प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से प्राइवेट डीएनएस सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने मोटोरोला फ़ोन में। और साथ में जैसे आपको ऑप्शन नहीं मिलता था, फ़ोन की सेटिंग्स से जाकर भी इसको सेट कर सकते हैं। सिंपल आप मोर कनेक्शन पर जाते तो यहाँ से प्राइवेट डीएनएस सेटिंग मिल जाते हैं।